आप सभी लोग देख रहे होंगे कुछ महीनों से कि हमारा और चाइना का किस तरह से एक तरह से झड़प हो रही है बीच में, और एक तरह से तनाव बना हुआ है। तो एक बार आप लोग सीमा देख लीजिए दोनों की, उसके बाद हम लोग बात करते हैं इनके संबंधों के बारे में, क्या बात की जा रही है, क्यों अभी चर्चा में आ चुके हैं। देखिए, ये हमारा प्यारा भारत, क्या है ये है हमारा प्यारा भारत, ये है चाइना, ये है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, क्या, कि हमारी चीन से डायरेक्ट सीमा नहीं लगती थी, लेकिन आपने देखा ये तिब्बत वाला क्षेत्र था। जैसे ही तिब्बत को चीन ने हड़पा, यानी कि चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया, तो उसके बाद आपने देखा है कि चीन की सीमा हमसे लगने लगी है। हो सकता है, देखिए कल मान लीजिए कि बांग्लादेश पर चीन का कब्जा हो जाए, तो आप क्या कह देंगे कि बांग्लादेश की तरफ से भी चीन सीमा लग रही है, समझ रहे हैं? या हम लोग मान लीजिए कि कल हम लोग पाकिस्तान को हड़प कर रहे हैं, काश ऐसा हो जाए, तो आप सोचिए हमारी सीमा किससे, ईरान से लगने लगेगी, समझ रहे हैं? यही हुआ यहाँ। तो आपने देखा है कि अभी करंट में बात करें तो देखिए, एक तो रहता है आपके सामने कि कभी आप जिंदगी में असफल हो रहे हैं, तो एक तो क्या कर सकते हैं आप लोग कि दूसरे पर डाल सकते हैं अपनी, कि हमारे इस वजह से गलती हो रही है, या मेरा परिवार इसके लिए जिम्मेदार है, या कोई और जिम्मेदार है इसके लिए हमारी जिंदगी अगर असफल हो रहे हैं हम लोग जिंदगी में। एक दूसरा अच्छा तरीका होता है कि हम लोग उसमें झांकें, जो हमसे गलतियां हैं उसे हम सुधारें, और दोबारा हम मेहनत करें और अपनी जिंदगी को सफल बनाएं। दो ऑप्शन होते हैं आपके पास, लेकिन अधिकतर आपको देखेंगे कि 90 से 95% लोग क्या करते हैं, दूसरों पर अपनी गलती दूसरों पर डाल देते हैं, और वो जिंदगी भर इसी उलझन में उलझे रहते हैं। ठीक है, तो मुझे तो लगता है कि आपको अगर कोई सामने वाला धोखा भी दे रहा है, तब भी आपको उससे सीख लेनी चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए, समझ रहे? तो हमें इसीलिए बात है कि अभी नेपाल सबसे, हमारे रिश्ते जितना आप कह सकते हैं नीचे गिर सकते थे, गिर चुके हैं। तो हमें झांकने की, अभी अपनी विदेश नीति में झांकने की जरूरत है, और दोबारा हमें एक तरह से पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि हम देखिए अटल बिहारी वाजपेयी का आप लोगों को एक वक्तव्य याद होगा, उन्होंने कहा था कि हम दोस्त तो बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। आप सोचिए किसी गांव में आप रह रहे हैं, आपके सामने आसपास चार घर हैं, पांच घर हैं, ठीक, पांचों से आपकी बुराई चल रही है, आपके दुश्मन हैं पांचों, तो ऐसा तो है नहीं कि आप अपने दुश्मनों को उठाकर किसी दूसरे गांव में बसा दें। और याद रखिए, हमें जितना अमेरिका से बाकी देशों से खतरा नहीं है, जितना हमारे पड़ोसियों से खतरा रहता है। इस बात को अगर आप अपने जीवन में भी रखें तो आप इसी बात को समझ सकते हैं, समझ रहे? तो और एक नकारात्मक छवि और बनती है कि जब अपने पड़ोसियों को साथ लेकर नहीं चल पा रहे हैं तो हम महाशक्ति कहां बनेंगे, समझ रहे? तो चीन से एक तरह से हमें देखिए सबको साथ लेने के चलना होगा, और अपनी जो भी विदेश नीति है इसके लिए ना हमें तो देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू या इससे पहले कि जो भी नेता रहे हैं उनके लिए जिम्मेदार ठहराने से बेहतर है कि अब हम क्या कर रहे हैं, ये मायने रखता है। हमारे बाप दादा गरीबी में मर चुके हैं या क्या है, हमारे बाप क्या किया, ये मायने कभी नहीं रखता है। हमने क्या उखाड़ा जिंदगी में, ये जरूर मायने रखता है। ठीक है, तो इसे याद रखिए, सबसे कम सीमा आपकी अफगानिस्तान से लगती है और सबसे ज्यादा आपकी बांग्लादेश से, ठीक है, याद रखिए। चलते हैं हम लोग आर्टिकल पर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक नई किताब में कहा है कि भारत की चीन नीति भारत की संभावनाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा, और ऐसा करने के लिए पारंपरिक मान्यताओं से परे जाना होगा, तथा भारत हेतु आवश्यक है कि भारत चीन संबंधों में यथार्थवाद दृष्टिकोण स्वीकारे जाए। विदेश मंत्री एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं अभी आपकी वर्तमान में, ठीक है, और इस तरह की मुझे लगता है कि या तो मैं इसमें इस तरह क्वेश्चंस आपका कोरोना महामारी से परिप्रेक्ष्य में ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस पूछा जाएगा, या मुझे लगता है कि चाइना भारत के रिलेशन से संबंधित पूछा जाएगा क्वेश्चंस इस बार, क्योंकि आपने देखा है कुछ ज्यादा ही यही दो मुद्दे रहे हैं, पूरा लॉकडाउन खत्म इसी के चक्कर में हो गया। श्री जयशंकर जो वर्तमान में आपके विदेश मंत्री हैं, एक पूर्व विदेश सचिव रहे हैं, जो चीन में भारत के सबसे लंबे समय तक रहने वाले राजदूत भी रहे हैं। इन्होंने भारत चीन संबंधों में टर्निंग पॉइंट के रूप में 2009 के वैश्विक आर्थिक संकट के प्रभाव और 2012 में सी जिनपिंग की का चीन की सत्ता में आना, इसके साथ ही भारत चीन की सीमा तनाव बढ़ने लगे तथा अपनी बढ़त सुनिश्चित करते हुए एक अधिक शक्तिशाली पड़ोसी को प्रतिबंधित करने हेतु भारत को अब चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा करने के लिए हमें यह समझना चाहिए कि शक्ति संतुलन एक अनंत प्रक्रिया है।
एक बात और याद रखिए, एक समय आप देखते थे कि अंग्रेजों का यही रवैया था जो आज चीन का है, एक विस्तारवादी नीति। आपने देखा है कि चाइना अभी हर देश से, मतलब उसकी जितने भी सीमा लग रही है, जितने भी देशों से वो विस्तार करना चाह रहा है, सबसे उसका विवाद है। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब हमसे यही विवाद है। लद्दाख का देख लीजिए, फिर चाहे अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा ले सकते हो। अभी लद्दाख में तो आपने देखा था कि 20 सैनिक शहीद भी हुए हैं झड़प में। अभी फिर से सुना है कि झड़प हो चुकी है, अभी कोई डाटा आया नहीं है। लेकिन एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कोई वहां मीडिया कवरेज भी नहीं कर पा रही है, तो हमें सही जानकारी भी नहीं मिलती है। यदि पिछले 3 दशकों में हुई शांति प्रगति को निरंतरता प्रदान करनी है, तो हमें इस यथार्थ को समझना होगा कि सीमा और परस्पर संबंधों के भविष्य को अलग नहीं किया जा सकता है। और चाइना चाहता है कि जिस तरह से उसने पाकिस्तान पर एक तरह से पूरा कब्जा कर लिया है, या फिर नेपाल गोदी में जाकर बैठ गया है, तो वो चाहता है कि भारत भी उसके साथ रहे। और आप समझ रहे हैं कि हमें अगर महाशक्ति बनना है, हमें टॉप पर पहुंचना है, तो हमें भी कुछ नया करना होगा। जीडीपी के मामले में कहा जा रहा है कि कुछ आने वाले सालों में चाइना नंबर 1 पर पहुंच जाएगा। तो आप सोचिए, हम क्या सोच रहे हैं, हम नीचे घर में ही झगड़े करके खत्म हो जा रहे हैं। नई सरकार जब 2014 में आई तो सबकी उम्मीदें जागी थी, लेकिन अब वो धूमिल पड़ती जा रही है। मुझे तो सबसे बुरा उस समय लगता है कि जब 4 से 5 रफेल मंगाए जाते हैं फ्रांस से, तो हम लोग खुशियां मनाने लगते हैं। समझ रहे हैं, ये हमें खुशियां उस दिन मनानी चाहिए जब हमारे देश में इससे बेहतर क्वालिटी के रफेल बनाए जा रहे होंगे। उस दिन हम आत्मनिर्भर कहलाएंगे, उस दिन हम शक्तिशाली कहलाएंगे। समझ में आए? और ये कैसे होगा? शिक्षा स्वास्थ्य उपलब्ध कराना होगा। नेता नेता जैसा बनना होगा, ऐसा ना कि एक बार आप नेता बने तो आपने अपना घर भर लिया। इससे हटके सोचना होगा, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण एक भारत का, चाहे आप लोग 1947 के बाद से दुर्भाग्य कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, मुझे अटल बिहारी वाजपेयी बड़ा बड़े अच्छे, मतलब आकर्षित करने वाले व्यक्ति हैं। उनके कई वक्तव्य आप सुनिए। अभी आपके वित्त मंत्री साहब ने एक भाषण दिया हुआ है, अरे उन्होंने तो सीधा कह दिया कि जो भी अर्थव्यवस्था, जो भी भारत में बर्बादी हुई है, उसका कारण भगवान है। आप खुद जानते हैं, अगर आप करंट से जुड़े हुए हैं, तो आपने देखा है कि लॉकडाउन के पहले ही आपकी अर्थव्यवस्था बहुत बुरी हालत में पहुंच चुकी थी। हाँ, इतना कह सकते हैं आप लोग कि जितनी उसमें कमी रह गई थी वो पूरी कर दी कोरोना महामारी ने। लेकिन इस तरह से आप पूरा कह दीजिए कि भगवान ने किया है, हम कुछ नहीं कर सकते, तो मुझे तो लगता है कि ये तो गलत है। शायद भगवान भी ऊपर बैठ के देख रहा होगा, तो वो भी तो हंस रहा होगा कि अपनी गलती मुझ पर डाल दी गई है। खैर छोड़िए, आगे चलते हैं। क्या है आखिर ये यथार्थवादी दृष्टिकोण, जो यथार्थवादी दृष्टिकोण की बात की जा रही, आखिर है क्या यथार्थवादी दृष्टिकोण के समर्थकों यथा हंस मोर्गेनथो तथा अन्य विचारकों के अनुसार राजनीति शक्ति प्राप्त करने हेतु किया जाने वाला संघर्ष है। इसका अंतिम उद्देश्य कुछ भी हो, इसका तत्कालिक उद्देश्य शक्ति प्राप्ति है, यानी कि सबसे आगे बढ़ना। एक तरह से यथार्थवाद के प्रमुख सिद्धांतों की बात करें तो मानव स्वभाव का निराशावादी दृष्टिकोण या विश्वास की अंतरराष्ट्रीय संबंध अनिवार्यता संघर्ष मूल होते हैं, जिसका समाधान अंततः युद्ध द्वारा ही होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा के मूल्यों एवं राज्य अस्तित्व को विशेष ध्यान देना, इस विचार के प्रति मौलिक संशय कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों की गति की प्रगति को प्रगति हो सकती है। एक और आपने देखा होगा कि अभी अमेरिका ने हमारा सपोर्ट किया हुआ है, तो उसमें भी हमने देखा है कि सबसे बुरी बात क्या है कि ये न्यूज़पेपर वाले आज के, अगर मैंने कहा ना कि हमेशा कि हमारे देश को अगर बर्बाद किया है और हमारी संस्कृति को किसी ने नुकसान पहुंचाया है, तो मीडिया, कुछ मीडिया घरानों ने, कुछ बॉलीवुड और कुछ आप सोचिए नेताओं ने, इस तरह से तोड़ मरोड़ के बताते हैं कि मतलब आप खुद जनता डिसाइड नहीं कर पाती है कि सही क्या है, गलत क्या है। समझ रहे हैं आप लोग, ये हाल है हमारे देश का। आपने देखा है कि अमेरिका ने साथ दिया, वहां लिख दिया, अब अमेरिका भी भारत के साथ खड़ा हुआ है। इतनी मतलब बात उनकी सुनिए कभी, कि मतलब आप भी चौंक जाएंगे, एक तरह से आप भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे सही क्या है।
देखिए, अमेरिका उस मतलबी दोस्त की तरह होता है कि ये अगर ऐसे, मतलब आप सोचिए कि कल चाइना से भी इसका संबंध, मतलब इसके कुछ हित निकल रहे हो तो उससे भी दोस्ती कर लेगा। एक समय आपने देखा भी तो था कि पाकिस्तान और चाइना और अमेरिका बहुत खास दोस्त हुआ करते थे, और रूस हमारा अच्छा मित्र हुआ करता था। भले रूस, आप लोग कहिए, रूस वफादार है। 1971 के युद्ध में देखिए आप लोग, अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ दिया था और रूस ने हमारा साथ दिया था। तो एक तरह से आप कहिए कि अमेरिका अभी चाह रहा है कि चाइना को अगर रोकना है आगे बढ़ने से, फिर चाहे चीन के मुद्दे को ले लीजिए, दक्षिण चीन सागर, फिर चाहे हांगकांग, ताइवान, अगर इन मामले को उठाना है तो भारत की मदद चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग? यथार्थवाद की प्रमुख धारणाओं की बात करें तो विश्व राजनीति की अराजकता व्यवस्था अर्थात विश्व सरकार की उपयोगिता को चुनौती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राज्य प्रमुख अभिकर्ता, वैश्विक संगठन, गैर राज्यकर्ताओं का महत्व राज्य से कम, अंतर्राष्ट्रीय संबंध महज शक्तिशाली देशों के मध्य प्रभुत्व संघर्ष, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मानवीय नैतिकता को सम्मिलित नहीं किया जा सकता है, राज्य का सौहित सर्वोपरि है, राष्ट्रीय हित परिवर्तनशील है। अब भारत को यह दृष्टिकोण क्यों स्वीकारना चाहिए? भारत तथा चीन में सीमा विवाद है जो एक यथार्थ है। चीन की साम्राज्यवादी नीतियों से त्रस्त दक्षिण एशियाई देश भारत को सुरक्षा प्रदाता के रूप में देख रहे हैं, जो कि भारत के कद को बढ़ाएगा। कहने का मतलब ये है कि आप सोचिए कि आपके पड़ोसी है कोई और आपको कोई लड़ने आता है, तो आपके पड़ोसी आपकी सहायता कर सकते हैं, क्योंकि वो भी तो उस सामने वाले दुश्मन से असंतुष्ट हैं। तो अभी देख रहे हैं कि चीन के जितने भी सीमा लगी हुई है, जितने भी देशों से सबसे विवाद चल रहा है, तो भारत इसमें मदद कर सकता है। बाकी देश सोचते हैं, तो हमें इस दिशा में भी आगे बढ़ना होगा कि हम सबको एक साथ तो ले आ सकें। समझ रहे हैं? लेकिन आप देख रहे हैं कि नेपाल हमसे दूर होता जा रहा है, चाइना के पास जा रहा है, आप बांग्लादेश को देख लीजिए, और छोड़िए श्रीलंका में आपने देखा है जो नई सरकार आई हुई है वो चीन के पक्ष में कुछ ज्यादा ही दिखाई देती है। चीन द्वारा निरंतर भारत की प्रगति रोकने का प्रयास किया जा रहा है, यह अर्थात एनसीजी एनएसजी में भारत की सदस्यता का विरोध भी करता है। चीन द्वारा लगातार मसूद अजहर को संरक्षण देने से कई वर्षों तक मसूद अजहर भारत विरोधी कार्यों में संलग्न रहा है। चीन लगातार भारत के पड़ोसी देशों में हस्तक्षेप कर उनकी नीतियों को भारतीय हितों के विपरीत करने का प्रयत्न कर रहा है, यथा चीन का नेपाल ले लीजिए, पाकिस्तान और श्रीलंका में हस्तक्षेप। यही छोड़िए आप लोग, हम लोग चाबहार परियोजना चला रहे थे सिर्फ ईरान में, वहां भी आपने देखा है कि चाइना जाके बैठ कुंडली मार के बैठ चुका है, वहां भी हमें एक तरह से पिछाड़ने की चक्कर में लगा हुआ है। एक बार मैप्स में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ की बात की जा रही है। हम लोगों ने यहाँ चाबहार पोर्ट का निर्माण किया इसलिए क्योंकि हम लोग अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, इन सभी सभी देशों के पास पहुंच सके आसानी से, क्योंकि आपने देखा है कि यहाँ जो पीओके वाला हिस्सा है इस पर कब्जा किसका है? पाकिस्तान का है। तो हम लोग यहाँ से इन देशों के पास नहीं जा सकते हैं, तो हम लोगों ने यहाँ से एक बाईपास रास्ता खोजा था। लेकिन आप देख रहे हैं कि चाइना भी यहाँ परियोजनाएं चला रहा है, क्योंकि ईरान ने पर देखा है अपने, अमेरिका ने किस तरह से प्रतिबंध लगा दिए, उसके बाद हम लोगों ने परियोजनाओं पे काम रोक दिया। तो एक तरह से ईरान को चाहिए, ईरान को मदद की जरूरत है, और चाइना इस फराक में बैठा ही रहता है कि कोई हमसे मदद मांगे तो ये भी देखा जा रहा है। भारत के कुछ हिस्सों यथा अक्साई चीन पर चीन का अधिक्रमण, उपयुक्त कारणों को ध्यान में रखें तो यह बात है कि भारत को अपने हितों को ध्यान में रखते हुए सदा संघर्ष हेतु तैयार रहना होगा। सीमा पर विवाद लगातार बढ़ रहे हैं, इसके साथ ही साथ चीन हिंद महासागर में अपनी पकड़ सुनिश्चित कर रहा है। ऐसी स्थिति में उदारवादी दृष्टिकोण भारत के हितों की पूर्ति में सक्षम नहीं होगा, अतः इस भारत को चीन के साथ संबंध की नीतियों में यथार्थवादी यह दृष्टिकोण स्वीकारना चाहिए। और एक बात और याद रखिए, हमें बाकी देशों से, आप सोचिए कि तीनों फ्रंट पर हम युद्ध नहीं कर सकते, एक तरफ से पाकिस्तान, एक तरफ से चाइना, एक तरफ से नेपाल, एक तरफ से, आप सोचिए सभी तरफ से अगर इस तरह की स्थिति पैदा होती है तो ये हमारे लिए खतरनाक है। इसलिए भी हमें अपनी विदेश नीति में जाकर देखना होगा, सुधार करना होगा। भारत को यथार्थवादी दृष्टिकोण को नहीं स्वीकारना चाहिए। दोनों ही देश परमाणु आयुध संपन्न, यानी कि परमाणु हथियारों से लैस हैं दोनों। संघर्ष के सशक्त होने की स्थिति में महाविनाश की स्थिति है। आप लोगों को लगता होगा कि जो नहीं पढ़े लिखे हैं, आप तो काफी इतिहास पढ़ते रहते हैं, तो आप तो जानते हैं कि जापान
परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा, 1945 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद आप देखते हैं कि अभी भी वहां बच्चे होते हैं तो उन पर असर देखने को मिलता है। वो तो चलिए जापान था इसलिए निकल गया, और कोई देश होता तो अभी तक बर्बाद होता। अपने भोपाल में एक आपने सुना होगा मेथाइल आइसोसाइनाइट थी, कौन सी गैस थी? मेथाइल आइसोसाइनाइट थी शायद, अगर गलती हो तो आप नीचे बता दीजिए। भोपाल में आपने देखा होगा कि एक त्रासदी हुई थी। उसके बाद आप देखेंगे कि अभी भी वहां अभी भी आपको उसका प्रभाव देखने को मिलता है। ये 2 दिसंबर 3 दिसंबर 1984 की बात कर रहा हूं, समझ रहे हैं? भोपाल गैस कांड जिसे आप लोग कहते हैं, तो समझिए कि अभी भी प्रभाव देखा जाता है। तो इसका मतलब मेथाइल आइसोसाइनाइड है, ये MIC कई बार पूछ ली ना, इसलिए मैंने सोचा क्लियर कर दूं। तो ये मतलब ये होता है कि जो परमाणु हथियार चलाता है वो भी हार जाता है, और जो सामने वाला होता है वो भी हार जाता है। इसमें जीत किसी की नहीं होती, और आसपास के देशों पर भी प्रभाव पड़ता है इसका। तो कहा जा रहा है ना कि 1000 बार पृथ्वी पर इतने, मतलब सभी देशों के पास इतने परमाणु हथियार हो चुके हैं कि इस पृथ्वी को 1000 बार नष्ट किया जा सकता है। समझ में आए? आपने देखा है कि उत्तर कोरिया के सामने अमेरिका क्यों झुक गया है? एक तरह से कहिए आप लोग कि दोनों मिल रहे हैं, एक छोटा सा देश इतने महाशक्तिशाली देश के डोनाल्ड ट्रम्प से मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आपने देखा है कि वो एक तरह से सनकी है, उत्तर कोरिया का तानाशाह है, इसलिए वो चाहता अमेरिका कि इसे साथ लेकर हम चले। वरना आप सोचिए कि अगर इतनी शक्ति होती तो उसे तो कभी का खत्म कर दिया जाता। तो परमाणु हथियार होने का मतलब है कि बर्बादी, ठीक है? यथार्थवाद वैश्विक संस्थान का निराधार करता है, जबकि भारत की नीतियां वैश्विक संस्थाओं का आदर करती हैं। भारत की सभ्यता वसुदेव कुटुंबम तथा सर्वे भवन्तु सुखिन को मानती है। शांति तथा लोकतंत्र वैश्विक व्यवस्था में भी भारत की नीति का अंग रहा है। इसके साथ ही ब्रिक्स, SCO, RIC जैसे संस्थान तथा भारत तथा चीन के कूटनीतिज्ञों की बैठक लगातार तनाव को कम करने के प्रयास का प्रयास कर रही है। बातचीत से यदि मामलों मामले का हल निकले यह ज्यादा उचित तथा प्रगतिशील होगा। लास्ट में हम यही कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि निसंदेह चीन तथा भारत के मध्य तनाव लगातार बढ़ रहे हैं। चीन के विस्तारवादी नीति संपूर्ण क्षेत्र हेतु संकट का विषय भी बन चुकी है। ऐसे में भारत को अपनी रणनीति को लचीला रखना होगा, क्योंकि इससे यथार्थवादी दृष्टिकोण के अनुसार राष्ट्रीय हित परिवर्तनशील होते हैं। आवश्यक ही कि भारत अपनी शांति की नीति पर कायम रहे, परंतु संप्रभुता को दांव पर लगाकर शांति नहीं स्वीकारी जा सकती है। एक बात और याद रखिए, जब हमारी नई सरकार आई थी 2014 में तो काफी बदलाव देखे गए थे, सभी देश हमारा साथ दे रहे थे। आपने 370 हटाई, उसके बाद देखा आपने कि सबने हमारा साथ दिया, लेकिन अब परिस्थिति बदलती जा रही है। 2020 से आपने देखा है परिस्थिति बदलती जा रही है, जो हमारे साथ खड़े हुए थे आज वो पाकिस्तान की भाषा बोलने लगे। तो हमें इसलिए भी अपनी विदेश नीति में झांकने की जरूरत है, और नेताओं को भी अपने गलेबान में झांकने की जरूरत है। तो ये पेपर आपका 4, सॉरी पेपर सेकंड, सामान्य अध्ययन पेपर सेकंड अंतरराष्ट्रीय संबंध से संबंधित है, ठीक है? ये पूरा आपका UPSC में एक टॉपिक ही रहता है, स्टेट PCS और UPSC में। तो लेकिन आपके लिए अगर क्वेश्चन इस तरह का कोई आता है तो आपको बड़ा बैलेंस बनाकर लिखना होगा, ठीक है? ना तो आपको नकारात्मक नकारात्मक पॉइंट लिखना है, और ना ही आपको पॉजिटिव, आपको दोनों का एक बैलेंस बनाना है। उसके बाद बीच का रास्ता चुनना है आपको, ठीक है?